नमस्कार। तो ये एमसीसी का जो लेटेस्ट नोटिस आया रिगार्डिंग रेजिग्नेशन, इसको लेके काफी लोगों को कंफ्यूजन है। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। बहुत सिंपल है। अब ये बड़ा ही अनोखा रूल है कि ये मतलब किसके लिए, पहले वो समझ लीजिए। ये वो, और मैं बोलूंगा ये उन महानुभावों के लिए है जिनको राउंड वन में सीट मिली एमसीसी में, जाके रिपोर्ट भी कर दिया और 2 दिन के अंदर अंदर उनका मन बदल गया है और वो इस्तीफा या सीट छोड़ना चाहते हैं। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि हमें करने की क्या जरूरत है अगर हम रूल्स को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि आपने राउंड वन में आपको सीट मिली थी और अब आपको साइड बाय साइड अपने स्टेट में मिल गई है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे, अगर आपको अपने स्टेट में रिजल्ट मिलती है तो ये किसके लिए मेन चीज है जो रूल है? तो ठीक है, मैं महानुभाव मैंने शब्द बोला, शायद आपको बुरा लगेगा। बस ये है कि आपको राउंड वन में सीट मिली, आपने जाके रिपोर्ट कर लिया और जैसे जैसे आपके स्टेट्स के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो पता चले कि चलो जी, आपको जैसे केरला का रिजल्ट आया, कोई केरला का डोमिसाइल का बच्चा है जिसको अपने केरला का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वो पहले यहाँ पर आ जाके रिपोर्ट कर चुका था, तो उसके पास ऑप्शन है वो 1 नवंबर से पहले पहले जाके अपनी सीट प्रॉपरली रिजाइन कर दे ताकि वो अपने केरला के स्टेट का कॉलेज ले सके। इस तरह अगले 1-2 दिन में जहां जहां के भी रिजल्ट आने वाले हैं राउंड वन के, जैसे कि हरियाणा की उम्मीद आने की या हिमाचल की उम्मीद आने की, जिनका भी रिजल्ट आएगा अगले 2 दिन में और आपको अपने स्टेट में राउंड वन का सीट मिल जाता है, फिर आप इस जगह पर जाके अपना इस्तीफा देके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ला सकते हैं। ये भी उनके लिए है जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन दिए। देखिए, जब आप रिपोर्ट करने गए थे, हाँ, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं ना, जिन्होंने राउंड वन में फ्री एग्जिट ऑप्शन चूज करा है, मतलब आपने ऑप्शंस भरी थी, आपको सीट मिली या नहीं मिली, मिली पर आपने कुछ नहीं करा, आपने घर बैठे रहे, आपको कुछ नहीं करना है। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको सीट मिल भी गई तो आपने कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सीट लैप्स हो जाती है। आपको कहीं जाके कोई बटन नहीं दबाना, आपको कहीं पर जाके किसी से बात नहीं करनी। अब ये उन लोगों के लिए रूल होता है जो राउंड वन में जाके जिन्होंने रिपोर्ट करा और सीट को लिया। जब आप रिपोर्ट करने गए थे, आपके पास दो ऑप्शन थी। दो ऑप्शन ये थी कि एक आपने वहां पर जाके बोला कि मेरी सीट कंफर्म हो गई। एक जब आप वहां पर गए तो आपने बोला मैं अपग्रेड करने जाना चाहता हूँ। देखिए, जो एमसीसी का सॉफ्टवेयर है ना, ये टू वे है। ये एक एक स्टूडेंट का है और एक कॉलेज को भी इसका दूसरा सॉफ्टवेयर मिला हुआ है। आप वहां पर जाते हैं तो आपने रिपोर्ट कर लिया तो आपका जो अपना लॉगिन है उसमें आने लग जाता है कि यू हैव रिपोर्टेड, क्योंकि वहां पर जो कॉलेज है उसने बटन दबा दिया कि आपने रिपोर्ट कर दी है। वहां पर जाकर अगर आपने अपग्रेड बोला कि जी मैं राउंड टू में भी अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो वाला बटन दबाएंगे और फिर आपके पास ऑप्शन आती है कि आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अगर वहां पर जाके आपने फ्रीज कर लिया था तो फिर आप नहीं कर सकते थे। तो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपका वही जो मैंने सिचुएशन बताई कि आपको दूसरी सीट मिल गई, अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप अभी तक रिजाइन कर सकते हो। अब इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है कि अभी आपने अपग्रेड के लिए बोल दिया, फ्रीज कर दिया था जो भी, राउंड टू में आपको अपग्रेड नहीं हुआ लेकिन आपकी सेम सीट है, लेकिन चूंकि आप रिपोर्ट कर चुके थे हो तो क्या माना जाएगा कि आप ऑलरेडी कॉलेज में रिपोर्ट कर चुके हो और राउंड टू में सेम रिपोर्ट ही मानी जाएगी अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। उस केस में नया रूल है एमसी काउंसलिंग का कि राउंड टू में अगर हमने रिपोर्ट करके सीट ले ली तो हम काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए, जो सीट आपको मिली है वही आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये है मोटा मोटी समझाने वाली बात। आप इसको ठीक से पढ़ोगे, उन्होंने बोला ना 28 को आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का, जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है वो कहते हैं कि वो रिजाइन कर सकते हैं एक तक, अदरवाइज दे विल कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राउंड टू सेम रूल जो हमने राउंड टू बोला। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन बाय द अलॉटेड कॉलेज, फेलिंग व्हिच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। सच अ कॉलेज कॉलेज विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट एंड द रूल टू विल अप्लाई, जो हमने अभी बात की। एनी लेटर अदर देन द जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसीडर्ड। इन केस कैंडिडेट इज रिजाइनिंग बाय सेंडिंग ईमेल टू कॉलेज, ही शुड मेक श्योर दैट दे रिसीव रजिस्ट्रेशन लेटर थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एनसीसी। और ये जो रजिस्ट्रेशन लेटर होता है ये कौन जनरेट करता है? कॉलेज। तो जिस कॉलेज में आप गए थे वो कॉलेज बटन दबा के आपके लिए रेजिग्नेशन लेटर जनरेट कर
है। अगर आपने रिपोर्ट किया था तो आप उस कॉलेज के टच में आ ही गए हो, उन्हीं को आप फोन करके बोलोगे जी प्लीज आप हमारा रेजिग्नेशन लेटर भी ऑनलाइन जनरेट कर दो। कैंडिडेट ने अगर कंसेंट अपग्रेडेशन टू का दिया था, पार्टिसिपेट करा पर अपग्रेड नहीं हुआ, वही कह रहे हैं कि नाउ यू कैन नॉट रिजाइन द सीट राउंड टू, यू हैव टू रिटेन द सीट, क्योंकि आपकी सेम सीट है जो मैंने भी समझाया। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन इफ द कैंडिडेट इज नॉट अपग्रेडेटेड। आपका अपग्रेड हो जाता है, दैट मीन्स आपकी पुरानी सीट चली गई, राइट? और फिर अगर आप चाहो तो आप इस्तीफा दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक नई सीट है। ये भी ध्यान रखिए, राउंड टू में सीट मिलती है अपग्रेड होके और आप इस्तीफा नहीं, तो आपकी पुरानी सीट चली गई है, ऑफ कोर्स आपकी पुरानी सीट की फीस गई है जो आपको रिफंड लेना होगा। और राउंड टू में आपको फ्रेश सीट है, आपने रिपोर्ट नहीं करा, तो फिर भी आप फ्यूचर काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस ट्रिक को समझिए, ठीक है? आप हमारी रेगुलर गाइडेंस चाहते हैं, हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, कॉल कीजिए 9643362320 पे। वी शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड यू कैन बी अवर कस्टमर। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मे द गॉड गिव्स यू द बेस्ट एमबीबीएस सीट फॉर यू। धन्यवाद।